हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सुमेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास हवावे की ONT है जिसकी आज हम रिमोट मैनेजमेंट इनेबल करेंगे। तो आइए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हमारी ONT का मॉडल HG8546M है। इसे यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके हम लॉगिन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ऑपरेशनल यूज़र है उसका टेलीकॉम एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन टेलीकॉम होता है। इसके थ्रू आप लॉगिन करके अपनी ONT को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो सेटिंग्स है वो हम जल्दी से कर लेते हैं इंटरनेट की। इन लैंड पोर्ट्स को आपने इनेबल करना है, अप्लाई एंड वैन में जाना, न्यू पे क्लिक करके आपने नया कनेक्शन बनाना है। PPPoE आपने ये और करना है कि ये जो टिक लगा हुआ है ये इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये वैन इनेबल नहीं होगा। मेरी कनेक्शन जो है वो है PPPoE, तो मैंने इसे चेक किया। प्रोटोकॉल टाइप IPv4, वैन मोड राउट वैन, सर्विस टाइप इंटरनेट, इनेबल VLAN मेरे केस में 100, यूजर नेम टेस्टिंग के लिए, और इन तमाम पोर्ट्स को जो हमने इनेबल की थी उसको बाइंड करवा देना एंड अप्लाई। कनेक्शन का स्टेटस चेक कर लेते हैं साथ, और वो कनेक्टेड है। इसके बाद इसकी रिमोट मैनेजमेंट वो इनेबल करते हैं। रिमोट मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी की टैब में जाना और डिवाइस एक्सेस कंट्रोल, वैन सर्विसेज में आपने आकर इनेबल दी वैन साइट PC टू एक्सेस दी डिवाइस थ्रू HTTP, आपने इसको चेक कर देना, ठीक है। अगर आप FTP करना चाह रहे हैं, टेलनेट SSH, तो वो आप अपने नेटवर्क के हिसाब से इसे इनेबल कर सकते हैं। मैं इसे HTTP पे टिक कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ, अप्लाई। ये आपकी रिमोट मैनेजमेंट इनेबल हो चुकी है। लॉग आउट। हम रिमोट मैनेजमेंट को चेक कर लेते हैं। मैं अपना विनबॉक्स ओपन करता हूं तो मेरा ये यूजर कनेक्टेड हो चुका है। इसका IP एड्रेस है, इसे मैं कॉपी करता हूं यहां से, और वेब ब्राउजर ओपन करके हम एक्सेस करते हैं। पेस्ट। और हमारा जो ONT है वो एक्सेस हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने अपने रिमोट IP के थ्रू हमने ONT को रिमोटली एक्सेस किया। इस तरह से आप अपनी ONT की रिमोट मैनेजमेंट इनेबल करके आप अपनी ONT को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और मोस्टली ONTs की रिमोट मैनेजमेंट इसी तरह से ही इनेबल होती है, तो जस्ट इंटरफेस का थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें भी सिक्योरिटी की टैब्स में जाकर आप इसे इनेबल कर सकते हैं। डिवाइस एक्सेस कंट्रोल में जाके आपने इनेबल द वैन साइट PC टू एक्सेस डिवाइस थ्रू द HTTP, इसे चेक लगा के अप्लाई कर देना, ठीक है। और इसके बाद आपने इसे रिमोट एक्सेस करके आप इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही।
तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।